नमस्कार दोस्तों, IIFL सिक्योरिटीज़ में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए कमोडिटी करेंसी वीकली आउटलुक, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले हफ्ते में किस तरीके का मूवमेंट था और आने वाले हफ्ते में क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। तो अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो हमने देखा कि सेंसेक्स और निफ्टी में करीबन 2% से ज़्यादा के गेंस आते हुए देखने को मिले। वहीं अगर हम बुलियंस की बात करें तो गोल्ड के अंदर भी हमने तेज़ी दर्ज होते हुए देखी। ऑलमोस्ट 1.14% की तेज़ी के साथ गोल्ड के भाव करीबन 47 या 34 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के भाव भी करीबन 0.99% के गेंस के साथ 60,550 के स्तर के आसपास बंद होते हुए देखे गए। ट्रेंड गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव रहेगा। गोल्ड के लिए महत्वपूर्ण लेवल जो है करीबन 46,600 और रेजिस्टेंस 47,800 के आसपास रहेगा। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते गोल्ड के अंदर खरीदारी की जा सकती है। ऊपर भाव करीबन 47,500 से लेकर 48,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिजिकल मार्केट में डिमांड और इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 59,000 का रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 63,500 तक हो सकता है। एक्सपेक्टेड है चांदी के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है और अगले हफ्ते भाव करीबन 63,500 तक के लेवल को छू सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड एक्सपेक्टेड है करीबन $1,800 के लेवल को छू सकता है और सिल्वर करीबन $24 के लेवल को छू सकती है। तो अगले हफ्ते के लिए गोल्ड सिल्वर में खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर हम बेस मेटल की बात करें तो यहाँ पर बेस मेटल में हमने देखा कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, निकल सभी ने आउट परफॉर्म किया। हालांकि लेड एक रेंज बाउंड मूवमेंट में क्लोज हुआ, मगर जिस तरीके का ट्रेंड रहा हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी बेस मेटल में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। वहीं अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के भाव करीबन 2.89% की गेंस के साथ 728.85 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 720 का और रेजिस्टेंस करीबन 745 का रहेगा। हमें लगता है कि कॉपर के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट करीबन 740 से लेकर 745 तक हो सकते हैं। जिंक के भाव करीबन 268.90 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर हमने 6% से ज़्यादा के गेंस आते हुए देखे। जिंक के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। जिंक के भाव में सपोर्ट करीबन 260 का, रेजिस्टेंस 278 का रहेगा। हमें लगता है कि जिंक के भाव अगले हफ्ते 278 तक के लेवल को छू सकते हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। लेड के लिए महत्वपूर्ण लेवल है 175 सपोर्ट, 192 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। यहाँ पर हमें मिला जुआ रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर लोअर लेवल पर खरीदारी की जा सकती है और ऊपर में भाव 185-190 तक के लेवल को छू सकते हैं। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने मोर देन 4% के गेंस आते हुए देखे और एल्युमिनियम के भाव करीबन 238 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 230 और ऊपर में रेजिस्टेंस 250 का देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है आने वाले हफ्ते में एल्युमिनियम के भाव 245 के स्तर को छू सकते हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है। वहीं अगर हम निकल की बात करें, जिसने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस किया है बेस मेटल में, मोर देन 7% के गेंस यहाँ पर आते हुए देखे गए और ऑलमोस्ट 1500 के स्तर के आसपास बंद होते हुए देखे गए। तो निकल के भावों में भी तेज़ी देखी है। हमें लगता है निकल के भावों में आने वाले हफ्ते में और आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है और यहाँ पर टारगेट करीबन 1550 तक के लेवल को छू सकता है। निकल के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 1460 नीचे में और ऊपर में करीबन 1560 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है निकल के भाव 1550 के स्तर को अगले हफ्ते छू सकते हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की, जहाँ पर हमने करीबन मोर देन 5% से ज़्यादा के गेंस आते हुए देखे और क्रूड के भाव करीबन 5941 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने ब्रेंट के अंदर $83 और WTI के अंदर करीबन $80 तक के लेवल आते हुए देखे, जो कि ऑलमोस्ट 3 साल के हाइज लेवल हैं। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर यहाँ पर जो ट्रेंड बना है वो आगे पॉजिटिव रहेगा। सप्लाई कम होने की वजह से यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है और साथ में OPEC मेंबर की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था कि वो प्रोडक्शन अभी नहीं बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से भी क्रूड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। क्रूड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट नीचे करीबन 5750 और ऊपर में करीबन 6200 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है क्रूड के भाव अगले हफ्ते भी पॉजिटिव टेरिटरी में जा सकते हैं और 6100 से लेकर 6150 तक के स्तर को छू सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट हमें लगता है कि $85 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं और WTI $82 तक के लेवल को छू सकता है। तो क्रूड के अंदर यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की, जहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 0.72% के गेंस आते हुए देखे। यहाँ पर हमने देखा कि एक अच्छी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी। यूरोप के अंदर नेचुरल गैस के भाव बढ़ने की वजह से एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर बनती हुई देखने को मिली। साथ में US के जो स्टॉक्स थे वो भी यहाँ पर गिरते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से हमने ओवरऑल एक ट्रेंड पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया। नेचुरल गैस के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है और आगे जो विंटर सीजन आना है उसकी डिमांड की वजह से भी नेचुरल गैस में आने वाले दिनों में तेज़ी देखी जा सकती है। हमें लगता है नेचुरल गैस के भावों में आने वाले समय में तेज़ी का ट्रेंड रहेगा। यहाँ पर सपोर्ट जो है करीबन 390 का और रेजिस्टेंस करीबन 480 का देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है नेचुरल गैस के भाव अगले हफ्ते 460 से लेकर 480 के स्तर को छू सकते हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। अब बात करते हैं करेंसी की, जहाँ पर हमने देखा USD INR मोर देन 1% के डेप्रिसिएशन के साथ, गिरावट के साथ करीबन 75.11 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया।
हमने देखा है सभी करेंसी में हमने स्ट्रेंथ आते हुए देखी है। हालांकि डॉलर में जो वीकनेस थोड़ी देखने को मिली थी उसकी वजह से यहाँ पर यूरो और जीबी पाउंड के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर हमने यूएसडी एनआर में रुपया में वीकनेस आती हुई देखी है। कहीं ना कहीं क्रूड के भावों के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन की वजह से हमने रुपये के अंदर एक गिरावट का ट्रेंड आते हुए देखा है। एक्सपेक्टेड है रुपये में अभी कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण सपोर्ट 74.50 और ऊपर में रेजिस्टेंस 75.80 का देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते यूएसडी एनआर में खरीदारी के साथ ट्रेड दिया जा सकता है। एक्सपेक्टेड है 75.50 से लेकर 75.80 तक के लेवल यूएसडी एनआर में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी की, जहाँ पर हमने देखा पिछले हफ्ते सेबी के द्वारा आरएम सीड के फ्रेश ट्रेड लेने से एक सर्कुलर जारी हुआ जिसमें ये कहा गया है कि आप सरसों के जो फ्रेश सौदे हैं वो नहीं ले सकते, जो एग्जिस्टिंग ट्रेड है उसको खाली स्क्वायर ऑफ किया जा सकता है। साथ में अगर हम बात करें तो अगले हफ्ते के लिए हमें तीन कमोडिटी अच्छी लगती हैं जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला है ग्वार सीड, जहाँ पर हमें लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर खरीदारी के साथ ट्रेड ले सकते हैं। ग्वार करीबन 5816 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया, यहाँ पर सपोर्ट 5650 और रेजिस्टेंस 6100 का है। एक्सपेक्टेड है यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं लोअर लेवल पर। अगले हफ्ते या आने वाले 10 दिनों में ग्वार सीड के भाव 6100 के स्तर को छू सकते हैं। वहीं अगर हम खल की बात करें, क्योंकि कॉटन्स यहाँ पर लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है तो खल की डिमांड यहाँ बढ़ सकती है, तो एक्सपेक्टेड है कि कॉटन सीड ऑयल केक में खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट 2500 और रेजिस्टेंस 2750 का रहेगा। यहाँ पर हमें लगता है कि ऊपर में 2750 अगले हफ्ते के लेवल को छू सकता है। वहीं अगर हम जीरे की बात करें या मसालों की बात करें तो वहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से फेस्टिवल डिमांड बढ़ रही है उसकी वजह से जीरे के भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से भी मसालों में ट्रेंड पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि जीरे और मसालों में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जीरा में सपोर्ट 14150 और रेजिस्टेंस 15000 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है जीरे के अंदर खरीदारी कर सकते हैं, ऊपर में अगले हफ्ते टारगेट 15000 तक के लेवल को छू सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीकली आउटलुक जिसमें हमने ये देखा कि अगले हफ्ते के लिए गोल्ड सिल्वर के में खरीदारी कर सकते हैं, बेस मेटल के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं और एनर्जी सेगमेंट के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। साथ में यूएसडी एनआर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। और जहां तक एग्री का सवाल है, एग्रीकल्चर कमोडिटी में ग्वार सीड, कॉटन सीड ऑयल केक और जीरा के अंदर भी खरीदारी के साथ ट्रेड लिया जा सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अगला हफ्ता भी ऐसा ही पॉजिटिव टेरिटरी में जाता हुआ दिखाई देगा। तो क्यों ना अपने पोर्टफोलियो में हम कमोडिटी को ऐड करें जिससे कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो आगे और प्रॉफिटेबल होता हुआ दिखाई दे। तो अपना अकाउंट आज ही आप अपने IIFL के साथ एक्टिवेट करें, IIFL में अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें और अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल ट्रेड के रूप में करें। थैंक यू।